हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंच बीन विद पनीर। उसके लिए हमें चाहिए प्याज बारीक कटे हुए, टमाटो प्यूरी, लहसुन 2 कली, अदरक घिसा हुआ, हल्दी, थोड़ी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, रिफाइंड 2 चम्मच और पनीर क्यूब्स में कटा हुआ, बाकी फ्रेंच बीन बारीक कटी हुई, कसूरी मेथी लास्ट में डालने के लिए। अब गैस जलाकर हम एक पैन रखेंगे, उसमें रिफाइंड डालेंगे। रिफाइंड गर्म होने के बाद अब इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा, उसके बाद डालेंगे आप लहसुन, अब डालेंगे आप प्याज। इन सबको मिक्स करके सॉटे करेंगे। गुलाबी होने तक हम इसको पकाएंगे। देखें, अब प्याज हो गए हैं गुलाबी। अब इसमें अदरक डालें, थोड़ा हिलाएं, अब टमाटर प्यूरी डाल दें, देखिए टमाटर घी छोड़ने लग गया है। अब इसमें आप डालें धनिया, हल्दी, थोड़ा चना मसाला, आधा बाद में डालेंगे, नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसमें फलियां डाल सकते हैं। साथ में पनीर भी डाल दें। इन दो सबको अच्छे से मिक्स करें। लाल मिर्च ऊपर से डाल के अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और ढककर रख दें। अब ये सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसमें आप थोड़ा सा डालें बचा हुआ चना मसाला और कसूरी मेथी। इसमें एक ऑप्शनल है, आप टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी केचप भी डाल सकते हैं, बस 1 चम्मच। सबको मिक्स करके सर्विंग बोल में शिफ्ट कर लें। थोड़ा धनिया डालें और थोड़ा पनीर किसके डाल दें। अब हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।